नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कार्यभार संभाल लिया है। नतीजे आने के 4 दिन बाद रविवार को 72 मंत्रियों के पूर्ण मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। हालांकि एक महत्वपूर्ण सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर लोकसभा स्पीकर का पद किसे मिलेगा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस चुनाव में किंगमेकर के रूप में उभरी टीडीपी और जेडीयू दोनों ही इस अहम पद पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन बीजेपी से जुड़े सूत्रों की माने तो पार्टी इसे सौंपना नहीं चाहती है। संविधान के अनुसार नई लोकसभा के पहली बार बैठक से ठीक पहले अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को पद की शपथ दिलाता है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत से होता है। वैसे तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए कोई विशेष पैमाना नहीं है, लेकिन इसके लिए संविधान और संसदीय नियमों की समझ होना काफी जरूरी है। पिछले 2 लोकसभाओं में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिली थी और पार्टी ने सुमित्रा महाजन और ओम बिरला अध्यक्ष को ये जिम्मेदारी दी थी। लोकसभा स्पीकर एक संवैधानिक पद है। लोकसभा स्पीकर का पद काफी खास होता है। संसद में इनकी भूमिका निर्णायक होती है। एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अध्यक्ष का पद बीमा के रूप में चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में सत्तारूढ़ पार्टियों के भीतर आपसी मतभेद के कई मामले सामने आए हैं, जिसके कारण पार्टियों में फूट पड़ गई और यहाँ तक कि सरकारें भी गिर गई। ऐसे मामलों में दल बदल विरोधी कानून लागू होता है। ये कानून सदन के अध्यक्ष को बहुत शक्तियाँ देता है। कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों को तय करने का पूर्ण अधिकार है। दरअसल नीतीश कुमार ने पहले ही बीजेपी पर अपनी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है, इसलिए वो किसी बगावत के मूड में नहीं आना चाहते हैं और स्पीकर का पद ऐसी किसी भी चाल के खिलाफ ढाल के तौर पर चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।